गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बांसु पीजी कॉलेज की लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स को। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम पहले मैं पेन ले लेता हूँ, इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर देता था। और अपन ले रहे हैं आज की बार दिस वन। ओके, तो यूनिट नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, सॉरी ये हाँ यूनिट नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे। और जो टॉपिक था वो चल रहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। और आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वन डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी वेव पार्टिकल ड्यूरेटिव, यानी कि एक पार्टिकल जो है वो वेव की तरह और एक वही पार्टिकल एक पार्टिकल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। यानी कि जो प्रकाश है, इसमें मान सकते हैं कि जो प्रकाश है, वो एक कण भी होता है। और जो प्रकाश है वो हमारे पास एक तरंग के रूप में भी होता है। और ये दोनों गुण दर्शाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्यूलिटी। इसको हम बोलते हैं द्विविधता। ओके, उसके नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट्स। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वेव पैकेट हम ले रहे हैं तो उसमें हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, फेज वेलोसिटी क्या होगी। तो हमारे पास फेज वेलोसिटी आई थी ओमेगा अपॉन के, और ग्रुप वेलोसिटी आई थी डी ओमेगा अपॉन डी के। और हमने देखा था कि जब हम ये मान के चलते हैं कि जो कण हैं उनकी जो तरंगे हैं वो ग्रुप के अंदर चलेंगी तो वो आगे पीछे नहीं होता, एक साथ चलता है। यानी कि हम कह सकते हैं उससे संबंध हमारे पास इस तरह से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने श्रोडिंगर इक्वेशन और इसकी नीडेड पढ़ी थी, और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक विमीय तरंग समीकरण को हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम यहाँ पर पहले हम एक विमीय तरंग समीकरण के अंदर पहले आपको एक चीज़ बता दूँ। मैंने कल आपको ये इक्वेशन बताई थी कि जो वेव इक्वेशन है या तरंग समीकरण जो होता है, तरंग समीकरण जो हमने कल लास्ट पढ़ा था वो था हमारे पास कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास था गामा, और डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक वेव इक्वेशन है, ठीक है। क्या है, वेव इक्वेशन है, ठीक। अब वेव इक्वेशन है तो यहाँ पर हमारे पास जो गामा है वो एक कॉन्स्टेंट होता है। गामा ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। और इस कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन कौन सी होनी चाहिए, वो हमारे पास हो सकती है एच कट के अंदर, एम के अंदर और क्यू के अंदर हो सकती है। एच कट के अंदर हो सकती है, एम के अंदर हो सकती है और क्यू के अंदर हो सकती है। और नहीं होनी चाहिए तो वो प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर या फ्रीक्वेंसी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, और साथ में मोमेंटम और एनर्जी फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पर इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये माना कि हमारे पास जो गामा की वैल्यू है, ठीक है, गामा की जो वैल्यू है वो हम मान के चलते हैं कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर है। वैसे मानने की बात नहीं है, ये हम जब तरंग समीकरण अंदर रखते हैं, मैं आपको रख के दिखाता हूँ एक बार। देखिए हमारे पास तरंग समीकरण हमने क्या ली है, हमने ली है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर और डेल स्क्वायर साइन अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। मैंने आपको कल ये कहा था कि आप तरंग समीकरण रूप में किसी को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ई की पावर आइटा एंड के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये जो माइनस सी ने ये बताएगा कि ये किस दिशा में चल रही है, प्लस एक्स दिशा में क्या है, गतिशील है, दिशा में गतिशील है, ये ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इन दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए, आपके पास ये सिंपल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप जब निकालोगे कि डेल साइन अपॉन डेल टी तो आपके पास आएगा टी का मतलब है माइनस ओमेगा और ई की पावर आयटा एंड के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। और जब इसका दोबारा करोगे डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर तो आएगा आपके पास माइनस ओमेगा का स्क्वायर और ई की पावर आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा।
और सिमिलरली आप निकालोगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा आयटा के का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी आपके पास देखो ये आयटा रहेगा ना, यहाँ पर आप आयटा लगा सकते हो, ये आयटा आएगा, और यहाँ पर भी आप आयटा लगा सकते हो, और माइनस यहाँ रहेगा इसके स्क्वायर है। और इसके साथ आएगा ई की पावर आयटा एंड के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आप देखोगे कि ये दोनों वैल्यू आप रखोगे इस समीकरण में तो आपके पास कुछ इस तरह से मिलेगा, ये मिलेगा कुछ इस तरह से। इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है कि माइनस आयटा ओमेगा का स्क्वायर और ई की पावर यहाँ पर आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी है, और बराबर में है गामा स्क्वायर, और साथ में इसकी जो वैल्यू है वो मैं रख देता हूँ कि आयटा के का स्क्वायर और ई की पावर आयटा और कुछ कुछ है यहाँ पर, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या जाएगी कैंसिल आउट होगी कुछ कुछ, मतलब ये जो वैल्यू है वो सेम है यहाँ पर थी इसलिए मैंने काट दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या बचा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा और आयटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करेंगे ये रहेगा माइनस का के स्क्वायर, तो माइनस के साथ माइनस कट जाएगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर और के स्क्वायर रहेगा। आप यहाँ पर गामा स्क्वायर की वैल्यू को लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, जो कि मैंने अभी लिखा, वैसे मैंने इसको डायरेक्टली पुट कर दिया था। आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, देखो यदि मैं यहाँ पर एच कट स्क्वायर से और नीचे भी एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप देखोगे गामा स्क्वायर की जो वैल्यू है ऊपर एच कट ओमेगा क्या होता है एनर्जी, तो एनर्जी का स्क्वायर अपॉन में नीचे एच कट के ये पी का स्क्वायर हो जाएगा। आप लिख सकते हो कि गामा की जो वैल्यू है वो ई अपॉन पी हो रही है, और हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई है कि गामा की जो वैल्यू है ई और पी के अंदर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ पर हमने कहा है कि गामा की जो वैल्यूज हैं वो के अंदर नहीं आनी चाहिए, ओमेगा के अंदर नहीं आनी चाहिए, पी के अंदर और ई के अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आ किसमें सकते हैं एच कट एम और क्यू के अंदर आ सकती है, इसका मतलब जो हमने समीकरण ली है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वैल्यू अवेलेबल नहीं है या वैलिड नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ पर किस में सुधार कर सकते हैं, हम यहाँ पर केवल सुधार कर सकते हैं तो केवल इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन ली है उसके हम सुधार करेंगे। और उसमें ये सुधार किया कि यहाँ पर जो टाइम की डिपेंडेंसी है टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार ऑपरेट किया उसको एक बार कर देते हैं, ठीक है। इससे दो चीज़ें सोल्व होंगी, एक तो इक्वेशन जो है वो अध्यारोपित हो सकेंगी, इनके जो हल होंगे वो भी स्वयं के साथ अध्यारोपित होंगे और व्यतिकरण जैसी घटनाओं को समझाने में सहायक रहेंगे। इसलिए अब की बार जो हम इक्वेशन लेंगे उसको हम इस तरह से लिखेंगे, और वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी कि डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू गामा, ठीक है, और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसी को हम बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम इसको बोलेंगे। अब यहाँ पर आपके पास गामा की वैल्यू और होनी चाहिए, और हम देखना चाहेंगे गामा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अपन गामा की वैल्यू उसी मेथड से निकालेंगे, वेव फंक्शन भी वही लेंगे सेम। तो देखिए हमने वेव फंक्शन लिया है साई इक्वल टू ई की पावर आयटा एंड के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पर आप निकालोगे डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू जो कि आएगी आयटा माइनस आयटा ओमेगा और ई की पावर, मैं इसको थीटा फॉर्म लिख देता हूँ, थीटा का मतलब ये पूरा थीटा ही है, इसको मैंने थीटा मान लिया ना। सिमिलरली हम निकाल पाएंगे इसमें नेक्स्ट हम निकालेंगे डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की फॉर्म निकालते हैं, स्क्वायर के लिए लिखेंगे तो ये रहेगा आयटा के का स्क्वायर और ई की पावर थीटा। आप दोनों वैल्यूज़ को कहाँ रखेंगे, ऊपर वाली समीकरण में रखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे डेल साई अपॉन डेल टी की, तो जो कि है माइनस आयटा ओमेगा और ई की पावर थीटा इज इक्वल टू ये रहेगा गामा और ये रहेगा आयटा के का स्क्वायर और ई की पावर थीटा। ई की पावर थीटा से ई की पावर थीटा हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर जो थीटा है वो मैंने लिया है आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी को मैंने थीटा मान ली तरह ताकि मैं लिखने में थोड़ी दिक्कत ना आए, ठीक है, ऐसा हमने माना। अब देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो ये रहेगा माइनस आयटा ओमेगा इज इक्वल टू गामा
और आयटा स्क्वायर और के स्क्वायर, एक आयटा से आपके पास यहाँ पर एक आयटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और गामा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको माइनस ओमिका अपॉन में आयटा एंड के स्क्वायर। आप लिख सकते हो आयटा ओमिका अपॉन में के स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर नीचे आप आयटा से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी आयटा हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या जाएगा आयटा, ये आयटा आयटा माइनस कर कट जाएगा और ये बच जाएगा आपके पास। तो अब देखो गामा की वैल्यू आ तो गई लेकिन इसको और सोल्व करेंगे हम, तो आई है गामा इज इक्वल टू आयटा ओमिका अपॉन के स्क्वायर, क्या है ना। तो हमारे पास आया है यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा भी है गामा की जो वैल्यू है आयटा ओमिका अपॉन के स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे एच कट से गुणा कर देते हैं, है ना, एच कट स्क्वायर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अपन लिखेंगे कि गामा इज इक्वल टू आयटा ओमिका एच कट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और एच कट स्क्वायर, ऊपर नीचे कर दिया, ये एच कट स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर एक एच कट और ओमिका को मिला लेते हैं वो तो हो जाएगा ई, और एक एच कट बच जाएगा ये। और जब आप ई की वैल्यू लिखोगे कितना, पी स्क्वायर बटे में 2m लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से, मैं इसको पीछे ही सोल्व कर देता हूँ, देखो पीछे ही सोल्व कर लेता, पर यहाँ ही कर लेते हैं कितना गया, हाँ यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ मैं, अपने पास खाली भेजा ये रहा। देखो अपने पास आया है वैल्यू कि गामा इज इक्वल टू आयटा ओमिका अपॉन में के स्क्वायर, अपन ने क्या किया एच कट स्क्वायर ऊपर गुणा कर दिया और एच कट स्क्वायर नीचे गुणा कर दिया। आपके पास मिलेगा गामा इज इक्वल टू आयटा और एच कट ओमिका एक साथ लिख दिया, एच कट अलग लिख दिया है, और इसको लिखेंगे एच कट के का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आयटा, ये वैल्यू किसकी है, एनर्जी की है, ई लिखेंगे और एच कट लिखेंगे अपॉन में इसको पी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि ई इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बटे में 2m होता है, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो गामा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमारे पास आयटा एच कट, ठीक है, और ई की वैल्यू मिलेगी पी स्क्वायर बटे में 2m और नीचे कितना है पी स्क्वायर, और यहाँ से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपको मिलेगा आयटा एच कट अपॉन में 2m, आयटा एच कट अपॉन में 2m आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो हमारे पास फाइनली जो गामा की वैल्यू मिली है वो मिली है आयटा एच कट अपॉन में 2m, और आप देखोगे यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये किस पे डिपेंडेंसी है, इसकी डिपेंडेंसी एच कट पे, आयटा पे और m पे है, जो कि हमारे पास सारे सारे क्या है कॉन्स्टेंट। हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू आई है उस बार हमारे पास वैलिड होगी, और यहाँ पर हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आई एच कट आयटा एच कट अपॉन 2m, तो ये वैल्यू डिपेंडेंसी को कॉन्स्टेंट पे डिपेंडेंसी है, तो ये गामा की वैल्यू ठीक रहेगी। ओके, अब अपन ने क्या किया है, माना कि हमारे पास साइन एक्स टी जो है वो एक्सपोनेंशियल ई की पावर आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी को हम रख समीकरण का हल मान लेते हैं, ठीक है ना, वेव फंक्शन का हल हो जाएगा ये। और विशेष बात यह है कि समीकरण 5 में गुणांक केवल एच कट पे और एम पर निर्भर कर रहा है जो कि वांछित है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गामा द्रव्यमान के स्वतंत्र कण जिसका द्रव्यमान पी है के तरंग फलन साई एक्स टी के एक विमीय समीकरण निम्न प्रकार से होगी, तो वो एक विमीय समीकरण हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगी, जिसको हम लिखेंगे डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू आईटा एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमने समीकरण प्राप्त कर लिया, ठीक है। अपन क्या करते हैं इसमें इस समीकरण को आईटा एच कट से इधर भी गुणा कर देंगे और आईटा एच कट से इधर भी गुणा कर देंगे, तो आईटा एच कट से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आईटा एच कट आ जाएगा, और यहाँ पर देखो आयटा और आयटा का ये स्क्वायर होगा तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक समीकरण आती है, और इस समीकरण को हम बोलेंगे एक विमीय तरंग समीकरण या श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर एक विमीय तरंग समीकरण आप इसको बोलोगे, ये हमारे पास श्रोडिंगर तरंग समीकरण, तरंग समीकरण श्रोडिंगर, ये हमारे पास क्या है तरंग समीकरण, है ना। तो इस तरह से आप श्रोडिंगर तरंग समीकरण को निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, अब इसको एक वी में के अंदर हल करना चाहेंगे, एक वी में श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होगी, तो इसके लिए हम पिछली समीकरण नंबर जो 6 है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 6 है, ये समीकरण नंबर 6, ठीक। तो समीकरण नंबर 6 एक वी में श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। इस श्रोडिंगर समीकरण का एक औचित्य हल यह है कि यह स्वतंत्र कण के लिए
साई आर टी इज प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियल आर टा की पावर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तरंग फलन का उपयोग करके श्रोडिंगर समीकरण के बाएं पद से, तो हमारे पास देखिए आयटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी लिखा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एच कट और साइन के बराबर अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक। और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ई और साइन, ई और कैसे इसको छोड़ रहा, इसको हमने एनर्जी लिखा है। आप ऐसे करेंगे, हमने यहाँ पर वेव फंक्शन लिया, ये वेव फंक्शन देखो, ये रहा ये वेव फंक्शन है, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे अपन डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगी हमारे पास टी के रेशियो में करेंगे तो माइनस आयटा ओमिका और ई की पावर आयटा के एक्स माइनस ओमिका टी हमारे पास वैल्यू आएगी, और इसको आप वेव फंक्शन लिख सकते हैं साई, ठीक है, वापस से, और ये रहेगा माइनस आयटा ओमिका लिखेंगे और ये बराबर रहेगा, तो आप वैल्यू रखेंगे किसकी, आई टा का डेल साइन अपॉन डेल टी की वैल्यू हमारे पास ये आई है, इसको रख इसको रखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो ये हमारे पास हो जाएगा आई टा का तो पहले से ही था और माइनस आयटा ओमिका हमारे पास वापस आ गया साइन एस, तो माइनस और ये जो दो आयटाएँ कट जाएंगे और बचेगा एच कट ओमिका और साइन, और एच कट ओमिका को हम क्या लिख सकते हैं ऊर्जा ई, हमने इसको ई लिख दिया और ये साइन एस, आप फाइनली इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, फाइनली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और जो इसका लेफ्ट हैंड साइड था उसमें अपने पास क्या था, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू और निकाल लीजिए, इसकी इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे, वैसे मैंने निकाली पीछे देखो पीछे निकाली थी ना, तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो रहेगी आयटा के का स्क्वायर और ई की पावर जो भी ऊपर है वो ऐसे कैसे, या फिर आप इसको वेव फंक्शन लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आयटा के ऑफ का स्क्वायर और साइन। तो आप लिखोगे यहाँ पर आयटा के, तो देखो हमारे पास है इधर कि माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में टू एम, और ये जो वैल्यू आई है ये आई है आयटा के का हमारे पास स्क्वायर आ गया है, तो फाइनली आप लिखोगे ये माइनस और ये आयटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बटे में टू एम, ये मोमेंटम की वैल्यू है, तो आप इसको लिखोगे पी स्क्वायर, नीचे टू एम स्क्वायर है और ये क्या है साइन, तो ये पी स्क्वायर अपॉन टू एम साइन आ जाएगा और ये हमारे पास ई साइन आ जाएगा। आप इस दोनों समीकरणों को बराबर कर लीजिए, समीकरण नंबर 7 को और समीकरण नंबर 8 को बराबर करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये, तो एक हमारे पास ये संबंध देती है ई साइन बराबर पी स्क्वायर अपॉन टू एम साइन। तो यहाँ से आप ऊर्जा का आइगन मान निकाल सकते हैं, ऊर्जा का चिर संबंध भी होता है ये कि ई इज इक्वल टू हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन टू एम के तुल्य होता है, वैसा निकाल सकते हैं अपन, यहाँ से साइंस और साइन को हटा सकते हैं और तो ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ठीक है, ये हमारे पास क्या जाएगा श्रोडिंगर तरंग समीकरण, बस टिप्पणी टप्पणी नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब हमारे पास थ्री डायमेंशनल इक्वेशन को पढ़ें, मुझे लगता है उससे पहले आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए, है ना, तो अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि हमारे पास एक वेव फंक्शन दिया गया है, ठीक है, उसमें हमें एनर्जी निकालनी है, तो दिए गए तरंग फलन को जांच कीजिए वह ऊर्जा का मान याद कीजिए, और हमारे पास तरंग फलन दे रखा साइन आर टी इज इक्वल टू ई की पावर आयटा, ये रहेगा फाइव एक्स माइनस का टेन टी, इस तरह से टेन टी रहेगा। पहले तो आप इसको श्रोडिंगर वन डायमेंशनल जो वेव फंक्शन वेव इक्वेशन है उसके अंदर रखेंगे और देखेंगे क्या ये उसको सेटिस्फाई कर पाती है या नहीं कर पाती, नहीं कर पाती तो ये मतलब वेव फंक्शन है ही नहीं, और यदि करती है तो उसमें एक ऊर्जा की वैल्यू आएगी उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे,
तो सबसे पहले हमारे पास टारगेट रहेगा, इसको हम जांच करें कि ये अवेलेबल है या नहीं है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यूजिंग वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव समीकरण, वेव इक्वेशन समीकरण, ठीक है, जो कि हमारे पास होता है डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, आप ऐसा यूज करेंगे आयटा एच कट और माइनस एच कट स्क्वायर बटे में टू एम और डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। आपको दोनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करने, ठीक है, आपको दोनों ही पार्ट अलग अलग सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करूँगा, यानी कि मैं कर रहा हूँ LHS को, ठीक है, तो रहेगा आयटा एच कट और डेल अपॉन में डेल टी, वे फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए, एक की पावर आयटा एंड 5x माइनस 10t। तो ये सोल्व हो जाएगा हमारे पास इस तरह से कि आयटा एच कट और टी के रेशियो में करेंगे तो रहेगा हमारे पास आयटा माइनस इंटू 10 और e की पावर आयटा और 5x माइनस 10t। तो ये हमें मिलेगा आयटा आयटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 10 एच कट, ठीक है, और इसको आप वापस से वेव फंक्शन लिख लेंगे साइन, तो 10 एच कट साइन मिल रहा है इधर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा, इसको दीजिएगा फर्स्ट और इसको देंगे अपन सेकंड। और नेक्स्ट देखिए, अब इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, तो इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो इधर हमारे पास है, इधर हमारे पास है वेव फंक्शन, देखो कितना है माइनस एच कट स्क्वायर बटे में टू एम एंड डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ साई, तो ये रहेगा माइनस एच कट स्क्वायर बटे में टू एम और डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर और ये रहेगा e की पावर आइटा एंड 5x माइनस का 10t। सोल्व करेंगे तो रहेगा माइनस एच कट स्क्वायर बटे में 2m मिलेगा इंटू, आप इसका दो बार आउटलाइन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रहेगा अपने पास आइटा 5 का स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें मिलेगा यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस एच कट स्क्वायर बटे में 2m इंटू माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको इधर मिलेगा कि एच कट स्क्वायर बटे में या 25 एच कट स्क्वायर बटे में 2m। अब हमारे पास इधर नंबर ऑफ मास वैल्यू नहीं है। अब मास वैल्यू नहीं है तो हम इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मास वैल्यू नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। यदि आपको मास वैल्यू दे रखी होती तो अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ हो रहेगी इक्की पावर आइटा एंड 5x माइनस का 10t और इसको हम वापस से साइन लग सकते हैं और यहाँ पर अपन साइन लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से हम एक चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, द मास ऑफ द पार्टिकल। हम इसको चलो यही सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर ये आ जाएगा अपने पास 3। यदि आपको मान लो दे रखा होगा मास 1 kg, तो ये इक्वेशन, यदि आपको इक्वेशन में ऐसे दे रखा होगा कि एक तरंग फलन की जांच कीजिए जिसको ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए तथा कण का द्रव्यमान 1 kg है, और 1 kg है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना। देखो बाई इक्वेशन 2 and 3 हमें मिलेगा 10 एच कट इज इक्वल टू, इधर रहेगा हमारे पास 25 एच कट बटे में 2m, तो 25 एच कट स्क्वायर बटे में 2m, ठीक, और इधर भी वेव फंक्शन है साइन और इधर भी आपके पास क्या है वेव फंक्शन साइन। तो और वैसे भी आपके पास ये वैल्यू, देखो इधर साइन से साइन हटा भी दें अपन तो यहाँ पर आपके पास m का वैल्यू 1 भी रख दें तो इधर रहेगा 10 एच कट और इधर रहेगा हमारे पास 2 5 एच कट स्क्वायर बटे में 2 into 1,
तो ये वेव फंक्शन श्रोडिंगर तरंग समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, अतः ये तरंग समीकरण है ही नहीं, अतः उपरोक्त तरंग समीकरण श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल नहीं हो सकता। और ये हल नहीं हो सकता है तो इसमें ऊर्जा का मान भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।